हेलो गाइस, सभी से के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा क्लास 8 चैप्टर 6 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। 6.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई। तो इसमें आप लोगों को संख्यात्मक गुणांक लिखना है। इट मीन्स कि जो एक्स वाई या एक्स स्क्वायर, एक्स वाई या एक्स वाई जेड, जो भी हो ए बी सी डी का अल्फ़ाबेट, उसके साथ कौन सा नंबर है जो इससे गुना किया हुआ है। तो एक में देखते हैं, हमारे साथ है एक्स वाई। अगर इसमें कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि ये एक नंबर से गुना है, इसलिए इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। संख्यात्मक गुणांक बराबर एक, तो इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, एक। ठीक उसी तरह दूसरा लेते हैं, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर को कितने नंबर से गुना किया गया है, तो जो नंबर यहाँ पे हमें दिख रहा है वही होता है संख्यात्मक गुणांक। तो यहाँ पे दिख रहा है माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, तो इसका लिख सकते हैं संख्यात्मक गुणांक बराबर माइनस सेवन। ठीक तीसरा का, तीसरा में है थ्री एक्स वाई। तो इसमें बताइए एक्स वाई के साथ कौन सा नंबर है, थ्री। तो इसमें लिख सकते हैं हम संख्यात्मक गुणांक बराबर कितना है, तीन। चौथा इसी तरह आप बताइए, चौथा में क्या है, माइनस थ्री बाई फोर एक्स वाई। तो माइनस थ्री बाई फोर एक्स वाई माइनस थ्री बाई फोर एक्स वाई में संख्यात्मक गुणांक बराबर माइनस थ्री बाई फोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक बराबर यहाँ पे जो नंबर है वही है, तो क्या है, बारह माइनस बारह। ठीक उसी तरह आपको यहाँ एक्स वाई के साथ जो नंबर है यही इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा, सेवन एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, बट यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड है, यानी कि जब कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे वन होगा, और वन भी किस में होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस दिया इसलिए यहाँ पे माइनस वन होगा। तो संख्यात्मक गुणांक बराबर माइनस वन। अब टू ए बी, इसमें कौन सा नंबर है, टू, तो संख्यात्मक गुणांक बराबर टू। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, निम्न को एक पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत करें। तो यहाँ पे आपको जो भी सवाल दिया हुआ है उसमें आपको देखना है कौन सा एक पद का है, कौन सा दो पद का है और कौन सा तीन पद का है। तो इसको पहचानने के लिए बस एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे आप देखिए कि माइनस या प्लस के निशान के पहले और बाद का मिला के कितने पद दिखते हैं आपको। तो अगर यहाँ पे दो नंबर्स या एक्स वाई जेड नंबर, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अगर उसके बीच प्लस या माइनस है तो उससे हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे एक माइनस है और माइनस के इस तरफ एक है और एक इस तरफ नंबर है, तो ये दो पद का है। अगर वहाँ जहाँ बिना माइनस प्लस का है कोई निशान का सब एक साथ लिखा है तो ये एक ही पद का है, चाहे कितना भी लंबा हो। अगर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो ये एक पद ख़त्म, प्लस के बाद फिर दूसरा पद, फिर माइनस दिया हुआ है, माइनस के बाद फिर तीसरा पद, तो ये हो गया तीन पद का। उसी तरह हम लोग पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कितने पद का है,
2x माइनस टू तो ये हो गया दो पद का, कितने का पद का है, दो पद, और यहाँ पे कितने पद का है, सब एक साथ है, कोई भी माइनस प्लस का निशान नहीं है, तो यहाँ पे है एक पद का, यहाँ पे कितने पद का है, देखिए यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस 1 2 3, यानी कि ये तीन पद का है, तीन पद। फिर यहाँ पे देखिए माइनस के इस तरफ है और माइनस के उस तरफ दो पद, यानी कि ये कितना हो गया, दो पद। और दो पद को द्विपद बोला जाता है, एक पद को एक पद और तीन पद को त्रिपद बोला जाता है। मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके। फिर आगे देखेंगे हम -3y² यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, बीच में जो है पहले दिया हुआ, ये एक ही पद का है, एक पद। फिर यहाँ देखिए 4x² -x+1, यानी कि 1 2 और 3, ये कितने पद का है, तीन पद। ठीक उसी तरह ये हो गया x²y, यहाँ पे कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है, इसलिए ये एक पद का है, एक पद। यहाँ पे देखिए माइनस है बीच में दिया हुआ, और यहाँ पे इधर एक, यानी कि ये दो पद का है। यहाँ पे देखिए ठीक उसी तरह L+M-L, यानी कि ये तीन पद का है, तीन पद। और यहाँ पे देखिए सब एक साथ है बिना किसी निशान के, इसलिए ये एक पद का है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो और मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।